हेलो एवरीवन, एग्जाम रूम में आपका स्वागत है गाइस। सफदरगंज हॉस्पिटल और जो राम मनोहर हॉस्पिटल जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो पोस्ट थी, एक पोस्ट थी किसकी पोस्ट थी, सीनियर रेजिडेंट की, है ना, जो कि वेरियस पोस्ट जो कि ABBIM मतलब ठीक है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में निकली हुई थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो पोस्टिंग हुई है और उनका एक तरीके से DV कब है आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 17, ठीक है, 17-12 को जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है उनका, मतलब रिटन एग्जामिनेशन उसका हो चुका है, अब उनके DV के लिए जो शॉर्टेस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है ना, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट, ठीक है, इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, तो उनकी लिस्ट आ चुकी है। पर्टिकुलर पोस्ट वाइज लगभग कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। मैंने ये वीडियो आपको इस चीज की इन्फॉर्मेशन कराया कि किस मतलब इसकी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा इसे मैं आपको टाइम बता दूं कि आपका जो DV होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। देखो, जो आपका DV है वो 27 तारीख को 27-12 को होगा। ठीक है, सबको अलग अलग टाइम जोन दिया गया है और ये जो DV है 27-12 से लेके मे बी 28 तक चलेगा। ठीक है, 28 28 28 है ना, 28 तक चलेगा, 2 दिन आपका DV चलेगा। ठीक है, और सबकी अलग अलग टाइम जोन है हर पोस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जिस पोस्ट के भी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 27 तारीख को किस किसका होगा, 27 तारीख को एनएससीसीआई वालों का होगा, एनएससीसीआई कैंडिडेट, ये कुल किसमें कितने कुछ 35 कैंडिडेट सेलेक्टेड किए गए हैं। दूसरा पीडीटेक वाला का होगा, पीडीटेक का होगा 9 AM रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम ये जो 9 AM है इसका मतलब ये आपको 9 बजे से सुबह पहले ही पहुंचना है। ठीक है, और मेडिसिन का होगा, ठीक है, मेडिसिन में कुल 21 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। गैस्ट्रो का होगा, इनका इनका मिड डे में है, मतलब 11 PM में, ठीक है, लगभग गैस्ट्रो वाला का हो जाएगा एंट्रोलॉजी में। ठीक है, दूसरा डेंटल वालों का होगा 2 बजे। ठीक, और जैसे कि कार्डियक एनेसिसिया इनका कब होगा, इनका भी 27 तारीख को ही होगा, 2:30 बजे के समथिंग रिपोर्टिंग टाइम इनका। जैसे देखो, जिनके भी एक एक दो दो पांच पांच कैंडिडेट है ना, तो वो एक तरीके से अपने टाइम से पहले जरूर पहुंचे, क्योंकि हो सकता है आपकी एंट्री पहले हो जाए, एक एक जो जैसे नहीं होता था कि इन्विटेशन फॉर्म, तो भी एक छोटी सी चिट आपसे भरवा के अंदर रखवा ले और वो सीरियल वाइज आपको बुलाते चले जाए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूनेटोलॉजी में जैसे कि 5 कैंडिडेट है, ठीक है, अब जैसे कि 5 कैंडिडेट पे 2 बजे तक है, तो तुम्हें क्या लगा केवल 2 बजे, 2 बजे पक्का हो जाएगा एंट्री हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि देख लो, ये डेंटल वाले कितने, 3 लोग हैं, 3 लोगों को DV करने में कितना लगेगा, ज्यादा आधा घंटा है ना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, उन्हें करना क्या 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 डॉक्यूमेंट है, तो इस तरीके का सबका अलग अलग है, फॉरेंसिक का है, फार्माकोलॉजी का है, रेडियोलॉजी, ठीक है, किस किस पोस्ट के आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट, सर्जरी, ठीक है, कुल 11 लोग सेलेक्ट किए, पैथोलॉजी और इसके माइक्रोबायोलॉजी 3 लोग सेलेक्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी है ना, 3 लोग सेलेक्ट किए गए उन्होंने, इनका ऑप्थेल्मोलॉजी का ऑप्थेल्मोलॉजी तक ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी कहाँ से 28 तारीख से स्टार्ट है, रेडियोलॉजी, हाँ देखो यहाँ तक होगा, फार्माकोलॉजी तक इनका 27 तारीख तक का होगा। ठीक है, अगले दिन होगा रेडियोलॉजी का, ठीक है, सर्जरी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, PMR, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है, इनका हो जाएगा। देखो गाइस, जो सेकंड डे है ना, वो उस दिन कैंडिडेट कम है, तो आप लोग टाइम से पहुंचना, खासकर ये जहाँ पे भी एक एक पोस्ट के लिए जो एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए उनके लिए। अब मेन चीज आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आप देख लीजिए, ऑल द अबव कैंडिडेट विल मस्ट बी रिपोर्ट इन द ऑफिस टाइम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस HAI, ठीक है, एकेडमिक सेक्शन ग्राउंड फ्लोर, एकेडमिक ब्लॉक ABBIMS बिल्डिंग, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, एज पर द टाइम डेट एंड अगेंस्ट द ई सब्जेक्ट। देखो आपको जो भी टाइम दिया गया ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, ये चीज उन्होंने बोला है। ठीक है, तो मे बी अपने टाइम से पहले पहुंचना है ना हर हालत में। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो आप देख लीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये बता दो, आपको क्या करना है, द कैंडिडेट अपीयर फॉर द असेसमेंट, ठीक है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अगर कोई भी इनको प्रेजेंट करने में अगर फेल होगा तो विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द असेसमेंट। ठीक है, क्या अब आपको अपने डॉक्यूमेंट का सीरियल के हिसाब से करना है। देखो सीरियल करना है आपको कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th लगानी है, ठीक है, एज प्रूफ, एज एज प्रूफ लिखा हुआ है लेकिन आपको 10th 12th लगानी पड़ेगी, वो चीज बेसिक्स है ना। ठीक है, आपने जो भी इंटर्नशिप कंप्लीशन किया, सर्टिफिकेट किया होगा वो लगेगा, क्योंकि MBBS से को डिग्री को तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसकी मतलब जो भी मतलब बैचलर डिग्री है ना मेडिकल में, जब आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी हो, है ना, जो भी एक्सपीरियंस होता है जैसे हॉस्पिटल में होता है, इंडस्ट्री में होता है, किसी किसी का किसी पोस्ट में, ठीक है, तो वो आपने कंप्लीट किया हो वो कोर्स में तभी बना था, तो इसलिए सबसे पहले इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर आपकी MBBS डिग्री, सारे 4 साल की सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और ओरिजिनल डिग्री भी अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो आपको प्रोविजनल डिग्री निकलवा के अपने मतलब HOD के साइन मतलब सॉरी डायरेक्टर के साइन वगैरह करा के प्रिंसिपल के साइन करा के वो लेके आनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, MD MS और DNB प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, देखो आपने MD MS तो किया होगा, जो कि इसमें स्पेशलाइजेशन की सारी पोस्ट है केवल एक मेडिसिन को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब चीज़ तो स्पेशलाइजेशन है, तो फिर नहीं मेडिसिन भी तो आप MD करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी स्पेशलाइजेशन है तो उन सबके सर्टिफिकेट आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेंगे, देखो प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट भी मतलब ऑरिजिनल हो या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट हो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से, अब तो सीधा ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, रिसेंटली डाउनलोड करना, 6 महीने ज्यादा पुराना माना नहीं था, और इसमें आप रिसेंटली तुरंत जितनी जल्दी डाउन कर सकते हो, ठीक है, DMC सर्टिफिकेट चाहिए, PG, ठीक है, या फिर DPG डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ। नेक्स्ट आपको प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पेपर, ठीक है, जैसे कि आपने देखो कोर्स के दौरान हम लोग जो पेपर पब्लिश करते हैं या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं पेपर की, कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, तो उसमें जो भी हमें डिटेंशंस, अवार्ड्स, मेडल्स या फिर MDMS में या फिर कोई भी चीज है ना, जैसे कि हमको उसमें मिलती है, जैसे कि कोई अवार्ड का सर्टिफिकेट मिलता है कि जैसे कि आपने मतलब जो भी पेपर प्रेजेंटेशन किया तो उसमें आपको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज या उसमें किस टॉपिक पर किया था तो उसके बारे में दिया गया होता है ना, तो वो सब चीज़ें जो भी आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हो पूरे कोर्स या कोर्स के बाद भी अगर आपने किया हो तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपने पेपर पब्लिश किया हो, ठीक है, वो भी इन्होंने बोला है कि प्रूफ एज पब्लिकेशन जो भी आपके सिलेबस में होगा तब ये चीज़ मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको तो वो सब चीज़ें इसी सीरियल वाइज से आपको लगानी है। ठीक है,
ये ध्यान रखना। फिर आपका कास्ट, अगर आप जनरल से तो आपको कास्ट और कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं, अगर आप ईडब्ल्यू एस जो कि जनरल की इकोनॉमी सेक्शन है तो उसके लिए आपको ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, ओबीसी से तभी लगेगा और एससी एसटी से भी लगेगा। अगर आप जैसे कि जनरल से और डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट का आपने यूज किया, जैसे कि इफ एप्लीकेबल, अगर आपने अप्लाई में डाला था ना, तो आपको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आप क्लेम कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक चीज सभी के लिए, कि अगर इन द केस हमारे पास ईडब्ल्यू एस का एक वैलिड ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का नहीं है, या एससी या एससी एसटी का नहीं है, या फिर पीडब्ल्यूडी का भी पीडब्ल्यूडी का नहीं है, तो इन द केस आपको क्या करना है, तो इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट के थ्रू ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। आपको किसी भी रिजर्वेशन का एज रिलेक्शन या फिर जो भी आपको पोस्ट के रिलेक्शन आप ले रहे हो, तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप ईडब्ल्यू एस का हो, चाहे वो इशू किसी भी अन्य सर्टिफिकेट का हो, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सवाइजेड जो भी, ठीक। अब नेक्स्ट आपको जो सर्टिफिकेट अर्न करना है एनओसी, ठीक है, फॉर द प्रेजेंट एम्प्लॉय, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंटली आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसके वहां से आपको एनओसी देना मस्ट है, वहां से एनओसी फटाफट से निकलवा लेना, सारे डॉक्यूमेंट इस अपनी जो फाइल होगी आपकी इस सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है, जिस तरीके से सीक्वेंस दिया गया है ना, इस सीक्वेंस में करना, जैसे इसमें ट्वेल्थ नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्वेल्थ नहीं लगानी, आपने ट्वेल्थ की जो वो एक बेसिक डिटेल होती है, ठीक है, तो वो आपको लगानी है। एमबीबीएस में आपकी जो जैसे कि इंटर सर्टिफिकेट कंप्लीशन का ये सर्टिफिकेट लगाना है, फिर आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री, फिर आपने एमडी एमएस या फिर जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, अगर आपका उसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो लगानी है, मार्कशीट लगानी है, और अगर प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी वाला तो वो लगाना है, ठीक है। इन द केस अगर किसी भी पास कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो कि देखो जो अगर यूनिवर्सिटी द्वारा डाउनलोड हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आपको किसी से साइन वाइन नहीं करानी। लेकिन अगर जैसे कि पहले निकलता था, अगर आपने पहले के किए हुए हो, तो फिर उसमें क्या होता था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपको साइन और मोहर अपने प्रिंसिपल के करवा के लाने होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे आकर आपका कुछ भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल देंगे, तो आपके पास एक वैलिड स्ट्रॉन्ग बात होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, जैसे कि सभी का 27 और 28 तारीख में ही है, तो आज तारीख है 24, ठीक है, तो हमारे पास 3 से 4 दिन का कंप्लीटली टाइम है, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर होने चाहिए, और इस वे में पूरा अरेंज करके एक फाइल बना के अपने फाइल में पूरा नाम वाम आईडी वगैरह सब कुछ लगा के सेट करके पूरा कंप्लीट रख के ले जाना। और हाँ, इसे फोटो के बारे में नहीं दिया गया है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा मिनिमम, देखो फोटो तो लगेगी लगेगी है ना, ऐसा नहीं है कि फोटो नहीं लगेगी, मिनिमम आप 4 से 8 कॉपी अपने पास रख के लेके जाना, फिर वहां पर जितनी मांगे घटी, ये जो आपके डीवी के लिए लेके जा रहे हो इसके साथ अपनी 1 से 2 सेट इन सभी के जो फोटो कॉपी है ना वो लोग लेके जाना। इसमें इन्होंने बोला नहीं है, पर क्यों नहीं बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जो रिसेंटली डीवी हुआ है सभी में ओरिजिनल मार्कशीट तो चेक होती है, ठीक है, और जो आपकी जो कुछ प्लेसेस पर सबमिट भी होती है, लेकिन जो आपकी जो होती है वगैरह फोटो कॉपीज है ना, तो वो सबमिट होकर फर्दर डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, ताकि जो आपके ओरिजिनल है कि उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो मिनिमम 2 सेट करके लेके जाना सभी के, फिर आप जितने चाहो 2 से 3 4 जो भी करके जाओ। देखो मेरा मानना ये है, कहीं पे भी आपके कहीं किसी भी प्लेस पे आपको रुकना नहीं चाहिए काम, और काम नहीं रुके तो बस मेन मोटिव तो यही है ना, अपने को तो सिलेक्शन से मतलब है। तो ये देखिए ये डायरेक्टर फॉर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये मतलब ये लेटर पूरा, तो ये आपके लिए अपडेट है, जैसे वीडियो पे मिलते हैं, और इसकी पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जैसे कि आप सीधा इसको रीच कर पाओ, और आप अपना नाम शॉर्टलिस्ट के देख के मे भी सोच सकते आपके पास मेल भी आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।